हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज मैं अंडा करी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैंने किसी अंडे से नहीं बनाया बल्कि प्योर वेज बनाया है। जो देखने में जितनी लाजवाब लग रही है उतनी ही ये खाने में भी टेस्टी है। मैं एक अंडा कट कर दिखाती हूँ और आसान इतनी कि हर कोई इसको आसानी से बना लेगा, सबसे तारीफें मिलेगी। एक अंडा निकाला, सेप बिल्कुल अंडे की जैसी आएगी और देखने में तो सेम ऐसा ही लग रहा है जैसे अंडा ही बनाया हो हमने। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो अंडा करी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए 200 ग्राम पनीर लिया है और 4 मीडियम आकार के आलू लिए। ये उबले आलू है, एकदम परफेक्ट उबले हुए होने चाहिए। कॉर्नफ्लोर लिया है, अरारोट पाउडर लिया है। सबसे पहले पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस ऐसा होना चाहिए जो एकदम फाइन कद्दूकस करता हो, ये छोटे साइज वाला, तभी हमारी अंडा करी जो अच्छी बन पाएगी। पनीर को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, अब इसमें से एक चौथाई हिस्सा जो अलग निकाल देंगे, साइड में रख देंगे। और जो आलू रखे हैं उनको भी कद्दूकस कर लेंगे सेम उसी तरह एकदम फाइन। आलू को भी हमने कद्दूकस कर लिया है, अब इसमें मिलाएंगे कॉर्नफ्लावर पाउडर 3 बड़े चम्मच, अरारोट का पाउडर, आप इसमें मैदा भी मिला सकते हैं, दोनों 3-3 चम्मच मिला रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका एक स्मूथ अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। हमने अच्छा सा डो बना लिया है, अब इसको रख देते हैं साइड में और जो हमने पहले से पनीर निकाल कर रखा था उसमें मिलाएंगे लगभग 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून घी या बटर कुछ भी मिला सकते हैं, ऑयल भी मिला सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उंगलियों से ताकि हल्दी जो सारे बटर मिक्सर में अच्छे से लग जानी चाहिए। ये वाला डो भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है, अब इसको अंडे की शेप देंगे। इस शेप देने के लिए मैंने 1 स्पून लिए क्योंकि हम इसको बराबर मात्रा में शेप दे सकते हैं। इसमें इतना बैटर भर लेंगे, इसको निकाल लेंगे, गोल गोल घुमा के गोल राउंड कर लेंगे ताकि हमारा बीच का भाग जो बराबर बराबर बन जाए। अब इसको एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम फिर से वही शेप देंगे, उतना ही बैटर भरेंगे जितना पहले भरा था। इसको भी निकाल लेंगे, ऐसा करने से सभी बोल है जो बराबर बनेगी। इसको भी रख देंगे प्लेट में। हम सारी बोल बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी बोल को बनाकर हमने तैयार कर लिया है, अब जो हमारा पहले वाला डो रखा था उसको देख लेते हैं। अब एक कटोरी में अरारोट का पाउडर लिया है, ये चम्मच जो इसमें एक बार डाल लेंगे, ऐसा करने से ये जो हम इसमें डालेंगे चिपकेगा नहीं। ये 3 भर के लेनी है हमें चम्मच, जो पहले बोल बनाई थी उससे 3 गुना, ताकि सभी अंडे बनेंगे जो एक समान बन जाए। इसको अच्छे से गोल गोल बना के बोल बना लेंगे। इसको एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम सेम उसी तरह पहले लिया था तो 3 चम्मच भर कर लेंगे, बोल का सेप दे देंगे। इसी तरह हम सारी बोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हमारी दोनों बॉल्स रेडी हैं। अब हमने एक कटोरी में अरारोट का पाउडर लिया है, अब एक बॉल को उठाएंगे जो व्हाइट वाली होती है उसको ऐसे दबाएंगे, एकदम टोकरी की सेप करेंगे, इसे गोल गोल टोकरी होती है। और एक पीली वाली बॉल को उठाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे, ऊपर से अच्छे से बंद करेंगे। उंगलियों से दबाते हुए पूरा कवर कर लेना है और इसको अच्छे से गोल गोल घुमाना है। ऐसे इसको अच्छे से गोल गोल घुमाना है। अगर इसमें एक भी दरारें रह गई तो जो हम फ्राई करेंगे ये तेल में खुल जाएगी। इनको अच्छे से खत्म कर देना है सारी को।
और इसको अंडे की शेप दे देंगे। आप चाहो तो इसको गोल भी बना सकते हैं, पर ये अंडा करिए तो अंडे की शेप देंगे। अब जो मैंने कॉर्नफ्लोर का या अरारोट का पाउडर लेकर रखा है, आप मैदा में भी कर सकते हैं कोट इसको, इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे और ये निकाल कर प्लेट में रख देंगे। कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से सेट हो जाने चाहिए। इसी तरह हम सारी को बनाकर रेडी कर लेते हैं। सारे अंडे को हमने अच्छे से सेक दे दिया है, सेम अंडे की जैसे ही लग रहे हैं ये। अब गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे, गैस को चालू कर देंगे और उसमें तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक अंडे को उठाएंगे, गैस को मीडियम कर देंगे और तेल में डाल देंगे। एक बार उतने अंडे डाल सकते हैं जितने तेल में आसानी से आ जाएंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अंडे को जब भी हम फ्राई करेंगे तो ऐसे लगातार चलाते हुए, जैसे हम गुलाब जामुन को फ्राई करते हैं, ऐसे ही फ्राई करेंगे ताकि ये कहीं से भी गले ना और सब जगह से अच्छे से बराबर मात्रा में अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। अंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसको तेल से निकाल लेंगे। एकदम एक भी अंडा नहीं फटा है और देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। इसको एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे और इसी तरह हम बाकी बचे अंडों को भी फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। एकदम इसमें कच्ची को नहीं डालना है, थोड़े से नीचे से फ्राई हो जाए तब इसको बदलना है। सारे अंडे को मैंने फ्राई कर लिए, ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, एक भी अंडा नहीं फटा है, सारे गोल गोल हैं। ऐसे अंडे आप भी आसानी से बना सकते हैं। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं, ये एकदम लाल है ताकि हमारी सब्जी में अच्छा सा कलर आ जाए। 2 मीडियम साइज का प्याज है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और लहसुन। हम तीनों का एक साथ पेस्ट बना लेंगे और टमाटर की प्योरी बनाएंगे। टमाटर की हमने प्योरी बना ली है और अदरक लहसुन का हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है और प्याज का भी एक साथ ही बनाया। अब हमने 3 छोटे पत्ते लिए हैं, ये तेज पत्ते हैं। 8 से 10 काली मिर्च लिए, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 2 लौंग। सबसे पहले गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें डाल देंगे ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, सड़कने देंगे। जो खड़े मसाले लिए वो भी डाल देंगे, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, ये स्वाद के लिए जरूरी है क्योंकि इसको डालने से ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आएगा। सारे खड़े मसाले हमारे भून चुके हैं। अब जो मैंने लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बना कर रखा था वो डाल देंगे। गैस की फ्लेम है जो एकदम कम कर देंगे, नीचे खींच के आएंगे। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे, तब तक ये तेल छोड़ना स्टार्ट नहीं करें। ये पेस्ट हमारा आधा लगभग भून चुका है। अब इसमें सब जो पिसे हुए मसाले वो ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च स्वाद के अकॉर्डिंग मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। हमारा पेस्ट के साथ ही मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है और ये तेल छोड़ रहा है। अब इसमें जो टमाटर की प्योरी बना कर रखी थी वो डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। सब चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी, तब तक मसाले सारे अच्छे से नहीं पक जाएं। हमारे मसाले को भूनते हुए 10 मिनट हो चुकी है, अब इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको 1-2 बार बीच में भी चेक कर चुकी हूँ ताकि हमारे मसाले नीचे से जल नहीं जाए। और ये अब अच्छे से भून चुके हैं, कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर चुके हैं और जो तेल है वो भी साइडों में से छोड़ रहे हैं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, आप जितनी पकती है गार्डन ग्रेवी बनाना चाहे उतना पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ और पानी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें नमक डाल देती हूँ, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसको हम ढक कर पकाएंगे, तब तक अच्छे से नहीं पक जाए। लाइट जला।
ग्रेवी में उबाल आने के बाद भी मैंने 5 मिनट इसको अच्छे से पका लिया है। अब जो हमारे अंडे फ्राई करके रखे थे वो एक एक करके इसमें डाल देंगे। ग्रेवी में अच्छे से डुबा देंगे, गैस को बंद कर देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे ताकि ये सारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। सब्जी को रखे हुए 2 मिनट हो चुकी है, अब इसको चेक कर लेंगे। अब इसमें ऊपर से फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे ताकि सब्जी का टेस्ट बढ़ जाए और देखने में भी सुंदर ज्यादा हो जाए। अभी सब्जी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। आप इसको गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे और पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये जितनी देखने में लाजवाब लग रही है उतना इसका टेस्ट अच्छा होगा। अब इसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। सब्जी को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब मैं एक अंडे को कट कर दिखाती हूँ। ये सेम अंडे के जैसे ही लगेंगे देखने में। ये अभी गर्म है, आप भी इतनी आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने में कोई मेहनत ज्यादा नहीं लगती और इसका टेस्ट जो एकदम अच्छा आएगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।